मेले में कभी गए हैं आप? जब भी आप मेले में जाते हैं तो वहां पे जो व्यापारी कपड़े की सेल करते हैं, कभी उन व्यापारियों को देखिए, वो कैसे सेल करते हैं, किस तरह का कपड़ा बेचते हैं, उन्हें देखिए, उनसे सीखिए, उनसे अनुभव लीजिए। आप एक व्यापारी के तौर पे व्यापार करना चाहते हैं, कम पूंजी में चाहते हैं कि हम व्यापार करें। आज काफी सारे व्यापारी ये डिमांड करते हैं कि हमारे पास बड़ी पूंजी नहीं, हम 10-20 हजार से व्यापार करना चाहते हैं। जैसा कि आप यूट्यूब पे भी हर जगह देखते हैं 10 हजार 20 हजार से व्यापार करें, तो अगर आप 10 हजार 20 हजार लगा के व्यापार करना चाहते हैं तो आपको वैसे व्यापारिक मॉडल पे जाना पड़ेगा जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका बिजनेस की बातों में, आमंत्रित करता हूँ आपको आज के इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताने के लिए। तो मेला क्या होता है? मेले की परिभाषा, जहाँ पे आप स्टॉल लगा के कम कीमत पे कम खर्चे पे आप अपना व्यापार कर सकते हैं, वो मेला है। मेले में आप शनिवारी बाजार को भी ले सकते हैं, इतवारी बाजार को भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपना स्टॉल काउंटर लगाते हैं जो आपको काफी कम कीमत में अवेलेबल हो जाता है। रेलवे की पटरियों पे भी आप अपने स्टॉल लगाते हैं, काउंटर लगाते हैं, मतलब जहाँ कहें कि मिनिमम खर्चे पे आपका काम हो सकता है, व्यापार हो सकता है, वो मेला है। आज जरूरी नहीं है कि मेले में लोग झूले झूलने आते हैं, खाने पीने आते हैं, वही मेला होता है। बहुत सी जगह वैसे भी है जहाँ पे इस तरह के मेले में भी दुकानें लगती हैं कपड़ों की। बहुत जगह आज आप देखेंगे गणपति नवरात्रों में भी कई जगह मंदिरें होती हैं, वहां पे पूरे रास्तों में दुकानें लगती हैं, खाने पीने के साथ साथ पूजा सामग्री के साथ साथ कपड़ों की भी आपको काफी दुकानें मिलेंगी। आप कभी गौर कीजिएगा तो वहां पे आप काफी सारी वैरायटी देखेंगे। आप देखेंगे वहां पे सस्ती साड़ियां, कुर्ती प्लाजो, लेगिंग्स, दुपट्टे, कई जगह आप देखेंगे 100-100 रुपए में 4 साड़ियां भी बिक रही हैं, 150-150 रुपए में 2 दुपट्टे भी बिक रहे हैं। मतलब इस तरह के आपके काफी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आप जब आप मेले में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं? जब आप इंटरटेनमेंट करके जब निकलते हैं, जब आप घूम फिर लेते हैं, तो आप कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढते हैं कि कुछ सस्ता और अच्छा मिल जाए। उसी कॉन्सेप्ट में आप कपड़ों की दुकान में जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ चीजें सस्ती, मार्केट से सस्ती देखने को मिले। यही उम्मीद से आप मेले में जाते हैं कपड़े लेने। तो एक व्यापारी के तौर पे भी आपको वैसी चीजों को ही रखना पड़ेगा जो आप मेले में बेच सकते हैं। आप कभी भी 10 हजार 20 हजार का माल खरीदते हैं तो आपको प्रीमियम रेंज में नहीं जाना, आपको अच्छी क्वालिटी में कभी नहीं जाना चाहिए, 50 तरह की वैरायटी में भी कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटी पूंजी में आप सेलेक्टेड आइटम ही रखें जो आइटम आपका मेले में बिक सके, जो मार्केट से बेहतर लग सके। आज कई चीजें होती है, आपने देखा होगा आज लेकरा बेस की साड़ियां जो 125-150-200 में हम लोग काफी बेचते हैं, देखने में वो काफी खूबसूरत लगती है, तो वैसी साड़ियां मेले में भी जल्दी बिक जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लेने वाले को जब आप वो 250-300 में देते हैं तो उन्हें वो काफी हैवी लगती है, साड़ियां काफी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह के रेंज में आपको जानी पड़ेगी। आज दुपट्टे वगैरह हैं 100-100 रुपए में, 200-200 रुपए में, 3, इस तरह से दुपट्टे को भी वहां बेचना पड़ता है। तो कपड़े में आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है साड़ियां ही आपको सस्ती रखनी हो। आप कुर्ती, दुपट्टा, ब्लाउज, काफी सारी वैरायटी है। अगर आप चाहते हैं कि 10-20 हजार रुपए लगा करके ही व्यापार करना है, क्योंकि आज बहुत से लोगों की मजबूरी होती है, बड़े अमाउंट उनके पास नहीं है, और कोई भी व्यापार अगर सफल व्यापार करना है, दुकानदारी करनी है, दुकान डालनी है, तो 10-20 हजार रुपयों में नहीं होती है। तो आप ये मेले के फॉर्मेट में आ सकते हैं। मेले के फॉर्मेट में आप कहीं भी आपके एरिया का जो भी साप्ताहिक बाजार लगता हो, जो भी वहां मेला लगता हो, आज फेस्टिवल में ओकेजन में भी हर जगह मेले लगते हैं, तो आप वहां पे आप एक बार हाथ आजमा सकते हैं। कम पूंजी में एक बार हिम्मत करके आप वहां से व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार अच्छा होता है, आपको कुछ अनुभव मिलता है, आप कुछ सीखते हैं, तो फिर आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हैं। आप भी अच्छी दुकान डाल सकते हैं, अच्छे शोरूम में अपने आप को बदल सकते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेले में दुकान लगाना पसंद नहीं होता है, उन्हें कहीं ना कहीं शर्म आती है, गिल्ट फील होता है, तो वो कहीं ना कहीं एग्जीबिशन के कॉन्सेप्ट में जाते हैं। आज एग्जीबिशन हर जगह होने लगा, शहरों में तो हो ही रहे हैं, छोटे गांवों में भी आजकल एग्जीबिशन होने लगे हैं। आज एग्जीबिशन में आप आसानी से अपना स्टॉल लगा सकते हैं, वहां ना तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है और ना ही आपको ग्राहक बुलाने की जरूरत होती है। आज जो आपके एग्जीबिशन लगाते हैं, मार्केटिंग भी वो करते हैं, और उनके दम पे कहीं ना कहीं ग्राहक काफी सारे आते हैं। आपको बस ध्यान देना होता है कलेक्शन के ऊपर कि आपको कुछ ऐसे कलेक्शन रखने हैं जो कि ग्राहक आए तो उन्हें अच्छे लगे और वो जल्द से जल्द उसे ले सके। तो आपको फोकस उसी चीज पे करना होता है, और यही चीज मेले के बाजार में भी होती है। मेले के बाजार में भी आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, ग्राहक खुद मेले घूमने आते हैं, मेले में आते हैं तो उन्हें जो भी अच्छा लगता है वो खरीदते ही हैं, और आप सस्ते
खर्च में सस्ते बजट में आप अपनी दुकान को चला लेते हैं। तो हर बिजनेस मॉडल के अपने अपने गुण दोष हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने विवेक से आप बिजनेस शुरू करें, हम आपके साथ हैं। आप किसी मॉडल पे काम करें, हम आपकी पूरी सपोर्ट सहायता करते हैं। जब बात मेले के व्यापार की हो रही है, तो आज जो संपन्न व्यापारी हैं, वो भी अपने कहीं ना कहीं स्टॉल और काउंटर उसमें लगाते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है, या तो हम अपनी सेल बढ़ाएं, या हम पुराना अपना स्टॉक जो है वो क्लियर करें, क्योंकि आज पुराना स्टॉक क्लियर करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नया स्टॉक मंगाना। क्योंकि आज मेले का व्यापार जब होता है, तो वहां पे वो रेट के अनुकूल, या जब ग्राहक नए ग्राहकों का फ्लो आता है, तो कहीं ना कहीं पुराना स्टॉक सारा क्लियर हो जाता है। और आप चाहें तो स्टॉल, अपने स्टॉल खुद के ना लगा करके आप दूसरों से भी स्टॉल लगवा सकते हैं, उन्हें आप माल दे सकते हैं। जैसे आज एक फेरी वाले, हॉकर वाले माल बांटते हैं बेचने के लिए, उस तरह से आप वैसे स्टॉल लगा करके आप खुद अपना माल भी उन्हें दे सकते हैं। आप हमारे सेल्स पार्टनरशिप मॉडल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल हमारा उसी बेस पे काम करता है। आप उस मॉडल से जुड़ करके सारे काउंटर पे, सारे स्टॉल पे अपना माल दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको हमारे सेल्स पार्टनरशिप मॉडल पे कुछ भी समझना हो, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, आप कभी भी कॉल करके के डिटेल ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर बिजनेस की बातों का एपिसोड आपको अच्छा लगता हो, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।